मैं था पूरब का छैला और वो था पश्चिम का मैला। वो एक खोदते हैं, मुझसे कुछ ही सेकंड छोटा है ना, तेरी बुद्धि भी छोटी है, लेकिन अपनी बीवी के सामने इतना छोटा कैसे बन सकता है? हाँ, दिन भर तुझसे पैर दबवाती रहती है। अरे किसी दिन मौका मिले ना तो उसका टेटुआ दबा दे, वो नागमनी तुझे मिलनी चाहिए थी। खुद तो जिंदगी भर कुछ कर नहीं सका, मेरे को सीख दे रहा है। हाँ, निकल यहां से। खोदता था, खोदते ही मर गया, लेकिन मैं मरने वालों में से नहीं हूं, मारने वाले में से हूं। ये तेरा स्टेटस, ये तेरा फैमिली ड्रामा, ये जो तेरी यहां पे डाउनलोडिंग हुई है ना, वो मेरी वजह से हुई है, मेरी वजह से। अब क्या लेने आई मनहूस औरत? मेरे भाई को तो खा गई, अब मेरा तो उससे कुछ लेना देना नहीं। मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। मदद? कैसी मदद? बिना मतलब के तो मैं अपनी खुद की मदद भी नहीं करता। मैं वो नागमणि आपको दे दूंगी, मेरा मतलब है नागमणि का 50% हिस्सा आपका। पक्का देगी? हाँ। क्या चाहिए? नया परिवार, नई जिंदगी चाहिए मुझे। हाँ, तुम पार्टी में आ रहे हो ना? ऑफ कोर्स, नो, आई विल वेट फॉर यू गाइस। हम सब लोग यहीं पर। ओके, आई सी। सुनो ना, अब सोनगर से मेरी एक फ्रेंड मुंबई आई हुई है, शादी होने वाली है, क्या मैं उससे मिलने चली जाऊं? दोस्तों को मिलने के लिए पूछा थोड़ी करते। ऑफ कोर्स, आई सी। अब मैं इस घर में जब तक पसारा मार के बैठा रहूंगा, जब तक तू मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे देती। नहीं तो मतलब जेजी, आप यहाँ नहीं रह सकते। ए ड्रामेबाज, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना, अगर तूने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो बारी बरसी खतरन गया सी तेरा वो हाल करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकती है। आप ना बिल्कुल मेरे पति जैसे। नहीं 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 नहीं, उसको तो तू थप्पड़ मारती थी ना, लेकिन मुझे नहीं मार पाएगी। अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो तेरे इस किराए के घर वालों के सामने मैं तेरा भांडा फोड़ दूंगा। अगर तूने मुझे नागमनी में हिस्सा नहीं दिया तो तेरा किस्सा यहीं पर खत्म कर दूंगा। इस घर में जो तू बड़ी मां बनकर बैठी हुई है ना, ना तो ये घर तेरा है, ना ही ये घर वाले तेरे हैं। इन किराए के टट्टुओं को तूने पैसे का लालच देकर अपनी मुट्ठी में किया हुआ है ना, ये बात तू भी जानती है और ये बात मैं भी जानता हूं। लेकिन तेरे बच्चे इस बात को नहीं जानते, तेरा रॉकी इस बात को नहीं जानता है कि इस घर में घुसने के लिए तूने किस किस की चटनी पीसी है। तेरा पूरा का पूरा बायोडाटा मेरी मुट्ठी में छपा हुआ है, अगर ज्यादा चू चपड़ की ना तो पूरे घर में इसे मैं छाप दूंगा। अब मेरी बात सुन, ये मेरी जूती ले, मेरी चप्पल लेके आ। एक दिन इन्हीं चप्पलों से मैंने तुम्हारा सर नहीं फोड़ा तो देखना। की बोली? की बोली? की बोली? मैं क्या बोल सकती हूँ? अरे अपने जेठ जी को मैं कुछ नहीं बोल सकती। पैड़ा। आ, हाँ करूंगी ना। ये आपके चरण पादुका पहन लीजिए। जानती, मैं तेरे पति से पूरे के पूरे 37 सेकंड बड़ा हूँ। पहले मैं आया दुनिया में, उसके बाद वो आया, लेकिन किस्मत देख, मेरे से पहले मर के वो ऊपर चला गया और मैं आज भी यहाँ बैठ के मजे ले रहा हूँ। और कुछ ला सकती हूँ आपकी सेवा में? एक गिलास गरम दूध लेके आ, केसर मार के। हाँ, गरम दूध केसर मार के अभी लाई सरकार। मोती, तेरा बुरा समय शुरू हो गया। अब ये जिंदा है कैसे? यही तो मैं सोच रही हूँ, कैसे? ये मेरी माँ का दुश्मन है, मेरी माँ का दुश्मन, मेरा दुश्मन, पर समझ में नहीं आ रहा कि ये जिंदा कैसे है। यामिनी भी तो मर के जिंदा हुई है, शायद वैसे। चाहे जैसे भी हो, मैं पता लगाऊंगी, कहीं मेरे पापा की मौत में इस आदमी का हाथ तो नहीं। माँ को कई बार कहते हुए सुना है,
कि पापा को कुछ लोगों ने मिलकर मार डाला। मैं पता लगा लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे घर जाना होगा। नहीं, तुम उस घर में मत आना, वहां तुम्हारी जान को खतरा है। उन लोगों को लगता है कि तुम मर चुके हो। मैं पता लगाऊंगी, मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। तुम गुरुदेव के पास जाओ, उनसे पूछो, शायद उन्हें कुछ पता हो। चलो। शिवांगी भाभी, लेकिन इनके घर में तो पार्टी थी, और ये लड़का कौन है इनके साथ? सॉरी, चले। शिवांगी, हेलो। जी हाँ, मैं आ रहा हूँ। ए मोटी, तेरे पति को तेरी आंखों के सामने मारा है मैंने। सबको उल्लू बना सकती है, मुझे नहीं। बोल बोल, उसका आम शक्ल कहाँ से उठा के ले आए? वो अपनी ये रिकॉर्डिंग बंद करेगी तभी मैं कुछ बोलूंगी। बोल चुकी हूँ ना कि वो मेरे पति का भाई है, बड़ा भाई है, जुड़वा भाई है वो। ये तो नीचे बोल चुकी है। वही तो मैं ऊपर भी बोल रही हूँ। वो उस माली का बड़ा भाई है। बड़ा मतलब जानती है कितना बड़ा? सिर्फ 37 सेकंड बड़ा। लेकिन उसी की वजह से मुझे ये नाम, ये परिवार, ये रुतबा मिला है। उसी ने मुझे इस घर के अंदर घुसाया है, और आज वो खुद इस घर के अंदर घुसाया है। वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। ए और एक्टिंग की दुकान, वो यहाँ क्यों आया है? जिसके लिए तू यहाँ आई, नागमणी के लिए। नहीं नहीं नहीं, अपने रूप में आने की गलती भी मत करना, क्योंकि मेरे पास ये है। जोर का झटका, हाय जोरों से लगा, दो बार झटके खा चुकी है काली नागिन, भूल गई। चल अब शांत हो जा। वो मुझसे नागमणि मांग रहा है, पर मैं कहां वो नागमणि उसे देने वाली हूँ? तो जाके कह दे उसे कि उसे कोई नागमणि नहीं मिलेगी। क्यों जाकर कहूँ? हाँ, तू नागिन और वो मधुमक्खी, तुम दोनों कब काम आओगे? जाओ, जाकर उसे खत्म कर दो। 37 सेकंड में खत्म करके आ जाओ। करोगी ना? आए, चल आजा अपने कैरेक्टर में। बड़ा आया है एंकी 2, एंकी 1 मेरा पति। जब मैंने उसे खत्म कर दिया तो क्या चीज है ये एंकी 2? चल जल्दी से अपने रोल में आ जा। जो देखो मुझे देखती रहती, मैं जानती हूँ मैं खूबसूरत हूँ। जा ना, अपने काम पे लग जा। Thank you too. आज तेरा खेल खत्म। ये दोनों कर क्या रही है अंदर? तुम दोनों ने मार दिया एंकी पार्ट 2 को? नहीं, नहीं मार सके। मैंने पता था
मोटी यामिनी मुझे मारने के लिए इच्छाधारी नागिन और मधुमक्खी को जरूर भेजेगी। जब मेरे भाई को नहीं बख्शा तो मुझे क्या बख्शेगी? पर हूं मैं भी अब पूरी तैयारी के साथ आया हूं। अब मैं तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगा मोटी कि तू भी जिंदगी भर याद रखेगी। तू नागिन, तू मधुमक्खी, दोनों इतनी शक्तिशाली और तुम दोनों मिलकर एक आदमी को नहीं मार सके। वो आदमी नहीं तो क्या है वो? मेरा मतलब वो मामूली आदमी नहीं। उसके पास ऐसा कुछ खास है जिसकी वजह से हमारी शक्तियां काम नहीं आई। अच्छा, एक बात बताओ, उसने तुम दोनों को देख तो नहीं लिया ना? नहीं, वो गहरी नींद में सो रहा था। पर हमें पता लगाना होगा कि उसके पास ऐसा क्या है जिसने उसे बचा लिया। नागमणि का एक और पार्टनर नहीं चाहिए मुझे। ये रोने की आवाज कहाँ? रुचिका, 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 तुम रो रही हो? नहीं वो मैं। क्या हुआ? दोस्त ना तुम्हारा, मानती हो तो बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? देन वो मैं मिस कर रही थी तुम्हें। आई एम रियली सॉरी रॉकी, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बुलाने की। मैंने अपने दिल से कहा कि मैं खुश हूं तुम्हें और शिवांगी को देख के, पर क्या करूं, ये दिल है कि मानता नहीं। रुचिका, यही तो मैं चाहती हूं रॉकी, तुम मेरे पास रहो। एक सेकेंड। हाँ ईशान बोलो। रॉकी मुझे तुझसे उस टेंडर की बात करनी थी जो तेरी कंपनी दे रही है हमें। हाँ तो फोन पे क्या बात कर रहा है, घर आ जा। हाँ तो मैं जाऊंगा, पर भाभी ने कल रात की तरह मुझे फिर से इग्नोर कर दिया तो। इग्नोर? हाँ कल रात कैफे में थी वो, शायद अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी लड़के के साथ। कैफे में किसी लड़के के साथ? एनीवेज मैं घर आता हूँ। क्या हुआ? नहीं, शिवांगी ने कहा था कि वो किसी दोस्त के वहां जा रही है, उसकी शादी है। पर ईशान का फोन आया कि उसने शिवांगी को किसी कैफे में देखा कोई लड़के के साथ। शीशा बीच में तीसरा आ गया है, फायदा उठा ले, रॉकी को अपना बना ले। रॉकी अगर तुम्हारे दोस्त ने देखा है तो वो झूठ तो नहीं कहेगा ना? और शादी में कुछ और हो या ना हो, विश्वास होना बहुत जरूरी है। शिवांगी तुमसे झूठ बोल रही है? डोंट यू डेयर। शिवांगी और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करने की कोई जरूरत नहीं, कोशिश भी मत करना। हम दोनों खुश हैं एक साथ, रही बात विश्वास की, वो मुझे झूठ नहीं बोल सकते। जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आज तुम्हारी वजह से रॉकी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। जुड़वा। हाँ पर एक बात तो तय, उसे यामिनी के बारे में बहुत कुछ पता है। इतने सालों में यामिनी के साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या किया, सब कुछ। उसकी दुखती रग क्या है जानता है वो, इसीलिए तो यामिनी उससे डरती है। इसका मतलब
ये सब नागमणि के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, इसी बात का फायदा उठाना है हमें, उन दोनों को लड़वाना है। दिखाते तो ऐसे हैं कि चोरों की बारात है, सिर्फ साथ साथ नाचेगी, पर नागमणि के लिए एक दूसरे को नचवाएंगे ये लोग, मार डालेंगे एक दूसरे को। अगर हम यामिनी और एंकी टू को आपस में लड़वा दें तो यामिनी को मारना आसान हो जाएगा। आपकी कॉफी। Hey, thank you. इसमें तो शक्कर ही नहीं। ऐसे कैसे? मैंने खुद डाली थी। अरे नहीं, कह रहा हूँ ना, नहीं। लाइए दिखाइए। ठीक तो है? हाँ, अब है। वैसे भी कॉफी में मुझे शक्कर ज्यादा पसंद है। मुझे किचन में बहुत काम। You're so cute. पता है? जैसे शर्म के मारे तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं। You look adorable. अच्छा वैसे तुमने बताया नहीं मुझे तुम्हारी वो दोस्त कैसी है? कौन सी दोस्त? अरे जिसकी शादी होने वाली थी, तुम जा रही थी ना, वो शादी कब हो रही है उसकी? अच्छा वो ठीक है, बहुत खुश है। पता है हम रात भर बातें करते रहे, वो बचपन की यादें, वो दिन, वो दोस्ती, कब आग लग गई पता ही नहीं चला। हमने तो शॉपिंग के प्लान्स भी बना लिए हैं। Really? वो रहती कहाँ है? वो अपनी मामी के घर। मुझे ना किचन में बहुत काम है, मैं भी आई। शिवांगी मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? या फिर कहीं ईशान की नजरों का धोखा तो नहीं? क्या सच क्या है? प्यार तो करती हो मुझसे? ओह, I'm so sorry. मैं वो, मुझे लगा तुम सुबह सुबह दोबारा नहला दिया। इतनी मोहब्बत करो ना। मेरे बारे में ही सोच रही थी ना कि कब इस प्लांट पे फूल खिलेगा, कब इस फूल को लेकर रॉकी को प्रपोज करूंगी मैं। I love you. Love you? हाँ, मैंने कहा था ना एक महीने बाद इस पे फूल खिलेगा और तुम आके मुझे प्रपोज करोगी। ऐसा कुछ नहीं है। Really? तो फिर मुरझा जाने देती, पानी ना देती। बोलो ना, that you love me. Come on. कब से वेट कर रहा हूँ सुनने के लिए। सुन लिया? तो मैडम मस्ती के मूड में है? हाँ, तुम कहो ना कहो पर आई लव यू सो मच शिवांगी। तुम करो ना करो, मेरा प्यार ही काफी है हम दोनों के लिए। ये शिवांगी, स्टॉप। आई लव यू सो मच शिवांगी। ये जेतुड़ा कहाँ चला गया? कहीं बाहर गया होगा। चलो अच्छा है यामिनी, मौका बिल्कुल सही है। पता तो लगा उस बुमले के पास ऐसा क्या है जो उसे बचा रहा है।
चाची आप क्या ढूंढ रही है? क्या चाहती है कि तेरे सपोर्टर से पहले तेरी खोपड़ी में छेद कर दूं? नहीं चाची, मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया मैंने? अच्छा, तो फिर वो मधुमक्खी और नागिन को क्यों भेजा था मुझे मारने के लिए? इसे कैसे पता? मैंने नहीं तो मैंने तो नहीं भेजा। मैं क्यों भेजूंगी? दरअसल बात यह है कि वो दोनों मेरी बात सुनती ही नहीं। जैसे उन्हें पता चला कि नागमणि का दूसरा हिस्सेदार भी आ गया है तो खून खौलने लगा उन जानवरों का। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ मत आइए। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अब तक ये बात छुपी थी ना सबके सामने कि आप भी नागमणि के पार्टनर है, 50% पार्टनर। अब आप यहाँ आ गए और सबके सामने ये बात खुल गई। खैर छोड़िए इन बातों को, अब आप आ ही गए तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, वो दोनों आपको कुछ नहीं करेंगे। कुछ करेगी नहीं या फिर कर नहीं पाएंगी? तुझे क्या लगा कि मैं आंखें बंद करके यहाँ पे? जब तू अपने खसम को खा सकती है तो मुझे कैसे बख्शे? सुन, अगर जरा सी भी चूँ चपड़ती ना तो सबसे पहले तेरी खोपड़ी में छेद करूंगा। क्या ढूंढ रही थी यहाँ पे? साउथ इंडियन एक्ट्रेस? ऐसी क्या चीज है जो मुझे बचा रही? नहीं, ये बोलने आई थी कि अगर आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है तो मैं कपालिका को बोलकर एक लॉकेट दिलवा देती हूँ। ये गरुड़ मणि कवच है। कवच मेरे पास, ये गरुड़ कवच है। आपके पास क्या है? साउथ इंडियन एक्ट्रेस, तुझे क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से बता दूंगा कि मेरे पास क्या है जो मुझे बचा रहा है? नहीं, एक काम कर, जाके एक ग्लास गरम दूध दे के आके सर मार के जा। ठीक है। हेलो, क्या अंजनी? क्या वो उसे? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ तेरा चौकटा चौपट क्यों हो गया? आप प्लीज मेरे साथ चलिए ना। चल। यामिनी और एंकी टू, ये दोनों सुबह सुबह कहाँ चले गए? अब ये क्या करने वाले हैं? लो जी, नए मेहमान आ गए। इनसे मिलो। ये यहां क्या कर रहा है? इसे तो मैं रुद्र, इन लोगों के साथ कैसे? बड़ी मां, इसे तो नहीं छोड़ूंगा। धोखे से हमारे घर में घुसाया। ब्लडी श्रीवास्तव। रॉकी, ये श्रीवास्तव ही है, लेकिन ये हमारे लॉयर मिस्टर श्रीवास्तव का बेटा रुद्र श्रीवास्तव है। गलती हमसे हुई थी इसे पहचानने में। ये अपने पिता का काम करने यहाँ आया था, करके चला गया और हमें लगा कि ये भाग गया और हमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। आगे की कहानी ये है कि जब पुलिस ने इसे पकड़ लिया तो मिस्टर श्रीवास्तव का फोन आया था ये कहने के लिए कि निर्दोष है, मासूम है। थैंक गॉड अवनी, ये निर्दोष है। बाय गॉड, अगर ये चोर भी होता ना तो भी इसके साथ भाग जाती। इतना क्यूट मुंडा है ये बंटी, लगा इसकी बबली। आलिया, सुबह सुबह सपने मत देख बेटा। और रॉकी,
आज से हमारे सारे लीगल काम यही संभालेगा। सारे का बड़ी माँ, तो मैं अपना काम शुरू करूं? ऑफ कोर्स, ऑफिस स्ट्रेट एंड राइट। मिस्टर श्रीवास्तव, कहाँ जा रहे हैं? बड़ी माँ ने कहा है आगे से राइट, लेफ्ट में सारे बेडरूम्स हैं, ऑफिस वहां पर है, प्लीज। आई एम सॉरी। पता नहीं क्यों ये बंदा मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। रुद्र, तुम घर के अंदर क्यों आए? तुम जानते हो ना ये लोग कितने खतरनाक हैं, और वो यामिनी, उसने तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लिया? तुम जानते हो ना अगर इन लोगों को तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। शांत रहो शिवांगी, मैं सब बताता हूँ। जी हाँ, मैं आप लोगों का रिश्तेदार हूँ, दिव्य और प्रभात का बेटा। इस वक्त पंचनेर हवेली के बाहर खड़ा हूं, बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं। क्या आप अभी आ सकते हैं? ये कहां पे आशियाना बना रखा है तूने? और ये नया मेहमान कौन सा पैदा हो गया? क्या पता, खुद पैदा हुआ है या किसी ने इसे पैदा करके छोड़ दिया। वैसे भी बदला लेने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है मेरी जिंदगी में। चलिए जाकर देखते हैं। कौन हो तुम? रुद्र, रुद्र। तू? तूने हमें यहां बुलाया? तूने फिर से मुझे उल्लू बनाया? आप पुलिस को फोन कीजिए, पुलिस को बुलाइए, ये एक बहरूपिया है। अरे पर ये है कौन? जो मैंने कहा वो कर। मतलब कीजिए। एक मिनट, कुछ भी करने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों का रिश्तेदार हूँ, और ये बात मुझे तब पता चली जब कुछ अघोरियों ने मेरी पीठ के पीछे ये निशान देखा और मुझे उठा के ले गए। कैसी कैसी बातें कर रहे थे कि कुछ कह रहे थे वो लोग, मैं नागमणि की चाबी हूँ। क्या कहा तुमने? कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ, नागमणि की चाबी। हाँ देखिए, वो कहना कि माँ बाबूजी के मरने के बाद मैं छोटी मोटी चोरी करके अपना पेट पाल लेता हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये अघोरी आ गए और मुझे उठा के ले गए, और अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे कि इसे ले जाएंगे, नागमणि ले आएंगे, और इसका हवेली वाले लोगों के साथ कुछ रिश्ता है। देखिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं श्रीवास्तव बन के हवेली के अंदर घुसा। फिर तो वहां से भागा क्यों? तो और क्या करता, अगर आप लोगों को पता चलता कि मैं असली श्रीवास्तव नहीं हूं तो आप लोग तो मुझे पुलिस के हवाले कर देते। अब तुम लोगों को सच्ची लगेगी मेरी कहानी, और तू खुद मुझे उस घर के अंदर लेके जाएगी यामिनी।
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा आप लोगों के साथ रिश्ता क्या है, और ये निशान और ये नागमणि का चक्कर। वो मैं बताती हूँ। वो बात ये है कि तेरे बाबा वो मेरे दूर के राखी के भाई थे। छोड़ना इन बातों को, तुझे पैसे चाहिए, ढेर सारा पैसा दूंगी, तू चलना मेरे साथ मेरे घर। नहीं नहीं, मैं आप लोगों के घर नहीं जाऊंगा। आपके घर वालों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो? मैं उस घर की मालकिन हूँ और मेरे घर वाले वही करेंगे जो मैं कहूंगी। तो चल मेरे साथ। चलिए। नागमणि के लालच में वो मुझे इस घर में खुद लेके आई। पर रुद्र, सूर्यवंशियों का ये निशान तुम्हें मिला कहां से? वो लोग बहुत खतरनाक हैं, और अब तो एक और खतरनाक इंसान उस घर में आ गया है जो शिवांगी के पीछे पड़ा है। शिवांगी वहां पे अकेली है। मुझे कुछ भी करके उस घर के अंदर घुसना होगा, लेकिन मैं अपने इस नाग रूप में उस घर में नहीं घुस सकता। क्या करूं? सारे कड़क कड़क नोट हमारे? हाँ, कोई नहीं जानता। निकंज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम पर फ्रॉड डील कर करके इतने सारे पैसे कमाए मैंने। मैंने मैंने नहीं, जानती है ना जिस पोजीशन पे आज तू है किसकी वजह से? भूल गई उस शिवन्या के खसम ऋतिक को कैसे ठिकाने लगाए थे मैंने? सब पता है मुझे। ये पैसे अंदर छुपा कर आती हूँ। मेरा हिस्सा कहाँ है? मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि तू अगर किसी सांप को भी डस लेगी ना तो सांप जिंदा नहीं बचेगा। भरोसा नहीं क्या रे? भरोसा कीजिए ना जीट जी, मैं किस्सा खत्म करने वालों में से हूँ, किस्सा नहीं। जरूरत पड़ेगी तो मांग लीजिएगा, दे दूंगी। भूलेगी तो नहीं ना? नहीं तो याद रखना क्या हाल करूंगा। वादा किया है, पैसे दे दूंगी। साउथ इंडियन एक्ट्रेस। तुम्हारे बाबा का कातिल? हाँ, मैंने बताया था ना तुम्हें, एक दिन माँ के मुंह से अचानक निकल गया कि मेरे बाबा की जान ले ली गई थी। हो ना हो, मेरे बाबा को इसी एंकी टू ने मारा, चाहे उसने मारा हो या किसी से मरवाया हो, पर मेरी बाबा का कातिल वही है। यामिनी का दिमाग, उसकी ताकत, उसकी रीढ़, सब है ये एंकेटू। सबसे पहले हमें उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ना होगा, उसे जान से मारना होगा। इसके लिए हमें उन दोनों को लड़ाना होगा। जब दो लालची लोगों में फूट डालनी हो तो उनके दिमाग में शक पैदा करना होता है, ताकि उन दोनों को लगे कि वो दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं।
समझ गया, हो जाएगा। साउथ इंडियन एक्ट्रेस, मैंने बहुत सोचा लेकिन तेरे को भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे ये नोट वाला बैग दे। लेकिन जेजी आप ही तो कह रहे थे। जेजी मत कर, नहीं तो यहीं पे टैटू दबा दूंगा। बैग दे। देती हूँ। नोट ब्यूटीफुल कर गचुल टन 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 नोट ब्यूटीफुल कर गचुल। हाँ, पैसे मेरे पास ही है। वो तो एक नंबर का लबाड़ी कवाड़ी है। मैंने कह दिया पैसे दे दूंगी और वो मान गया। जूती दूंगी जूती। ओह डोंट यू वरी, पैसे मेरे पास ही है, मैं लेकर आ रही हूं। देखना अब इन पैसों के लिए तुम दोनों आपस में ही लड़ मरोगे और फिर अकेले रह जा, मैं तुझे मारूंगी। उट कर रही है। अपनी फोन दे मेरा। एक मिनट, ये फोटो सुने कब खींचे? चोरी से। एक्चुअली मेरे पास रुद्र का एक भी फोटो नहीं है। ओह, आई सी। ऑब्सेशन है ना? बता दूं? ऑब्सेशन नहीं है। देन? इट्स लाइक आई रियली लाइक हिम। या आई रियली लाइक हिम। हाँ, वो तो देख ही रहा है। जो बात शाम सिर्फ उसी के फोटोज, उसके नहाते हुए फोटोज, उसके सोते हुए, फिर पता नहीं कहाँ। यार अवनी, तू मेरा मजाक मत उड़ा। और फोन दे मेरा। नहीं अवनी, फोन ले। नहीं दूंगी, मेरा फोन। अवनी यार, फोन नहीं दूंगी। अवनी, नहीं 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 फोन दे। अवनी बड़ी माँ, ये आलिया का फोन है। हाँ क्या है ये सब? मैं तुमसे पूछ रही हूँ आलिया, क्या है ये सब? रुद्र हमारा मेहमान है, उसकी इतनी सारी फोटोग्राफ्स तुम्हारे फोन में है, इसका क्या मतलब हुआ? मैं बताती हूँ बड़ी माँ। वो रुकना, आलिया रुद्र को पसंद करती है, जब से वो इस घर में आए तब से। क्या ये सच है आलिया? एक्चुअली बड़ी माँ, या ना? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ, ये तो खुशी की बात है। इतनी क्यों डरी हो? अच्छा एक बात बताओ, क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है? I don't know, बड़ी माँ, मतलब मुझे नहीं पता। तो पता लगाना पड़ेगा ना। मतलब वेरी सिंपल, मैं हूँ ना, मैं जाके रुद्र और उसके पेरेंट्स से तेरे रिश्ते की बात करूंगी। तू उससे शादी करना चाहती है ना? खुश होना बेटा। I love you too, dear. नागमणि की चाबी को घर के ताले में परमानेंटली फिक्स करने का इससे अच्छा रास्ता और क्या होगा? पहली बार मेरी भाड़े की फैमिली किसी काम आई है। अवनी, वो पिलो कहाँ है जिसके लिए मैं यहाँ आई थी? अभी लाती हूँ।
गुड नाइट। गुड नाइट। मैं आज ही उससे बात करूंगी। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है? ओए की गल है, बड़ा फुदक रही है। गर्ल नहीं है जी, बॉय है। नागमणी की चाबी परमानेंटली इस घर में फिक्स करने का ताला मिल गया मुझे। नाग की मनी छोड़, पहले वो मनी निकाल जो तूने अंदर छुपा के रखी हुई है। मुझे चाहिए। क्या चाहिए मतलब? पैसे दे चुकी हूँ ना। ए दगाबाज आत्मा। आत्मा नहीं तू। मेरा मतलब है आप ही तो आए थे और वो पैसे मुझसे छीन कर लेकर चले गए। अब मैं पैसे कहाँ से दूंगी? और मैं कब आया था? पैसे तो तेरे पास पड़े हुए, मैं कब लेके गया हूँ? ओए! अगर मैं नागिन होती ना तो अपनी ये जुबा बाहर निकाल कर तुझे डस देती और फिर भंगड़ा पाती। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए ओए! पैसों के लिए मेरे साथ कोई खेल मत खेलना। मैंने पता था तू धोखा जरूर देगी, तेरे खून में जो है ना धोखा बसा हुआ है, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। जब तू मुझे एक पेटी नोट नहीं दे सकती है तो नागमणी क्या देगी? इसी तरह से मेरा हिस्सा दे दे, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। सोच ले। मुझे धमकी मत दे वरना मैं तुझे ऐसा धमका दूंगी कि अखिलेश तेरी अखी लाश बनाकर नाग नागिनों को खिला दूंगी। चल मेरे पैसे निकाल। तू मेरे पैसे निकाल। नाच मेरा बुलबुला के पैसा मिलेगा। तुझे क्या लगा कि तू नाचेगा और मैं तुझे पैसे दूंगी? मेरे पैसे निकाल वरना कल रात तक का वक्त देता हूँ। अगर मेरे हिस्से के पैसे तूने नहीं दिए ना तो तेरी ये जो हाड़े की फैमिली है ना उनके सबके सामने मैं तेरी कुंडली, तेरा काला चिट्ठा सब खोल के रख दूंगा। तू कुंडली खोलेगा और ये यामिनी क्या ताली बजाएगी? कर कुछ तो कर, फिर देखना ये यामिनी क्या करती है। फूट पड़ चुकी है, अब हमें सही मौका देके इस एंकीटू को खत्म करना होगा। गाली करना होगा क्योंकि कल तक दोनों को पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में धोखा नहीं गलतफहमी हुई है। तो ठीक है, कल एंकीटू की मौत तय है। अच्छा रुद, इतनी रात के शिवांगी रुद्र के साथ? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.